और अगली सुनो। अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है। तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है, इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फकर में मुझसे राजी है। मैं तो इतना सफर करके आया हूं, हालांकि अभी चार दिन पहले मैं 12 मुल्कों का 10 मुल्कों का सफर करके आऊं, सारी हड्डियों में दर्द है। मैं इसलिए आया हूं कि चलो कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आप सारे इसलिए हज पे जा रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए। जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी कर, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर, तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि अल्लाह को मिलो तो अल्लाह खुश हो के मिल रहा। ऐसे ना मरो कि अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हो मुजरिम बनकर, कैदी बनकर। तो अल्लाह उसके रसूल ने माल लगाने पर जोर दिया। अल्लाह चाहता तो सबको माल दे देता, किसी को फकीर, किसी को मालदार। मालदार का शुक्र का इम्तिहान लिया, फकीर के सब्र का इम्तिहान लिया। अल्लाह फकीर का सब्र देखेगा, मालदार का शुक्र देखेगा। और जब मालदार लोग जकात नहीं देते तो फिर इज्जतें नीलाम होती हैं। जब सब कुछ अपने ऊपर लगाने का शौक बन जाता है और अपने ही बड़े बड़े जेवर, कपड़े, घर, गाड़ियां,